हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज हम ये आउट फैशन लेस का रीयूज़ करके बहुत ही खास, बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही डेली यूज़ में काम आए ऐसी चीज़ बनाएंगे। फोल्डेबल बैग बनाएंगे जो बहुत ही अलग तरीके की है, बहुत ही अच्छी है। तो इसीलिए मैंने ये लेस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और जिसका नाम 12 इंचिस है। इसे हमें सिलाई करके ऐसे जोड़ लेना है। यहाँ पर तीनों पार्ट को हम जोड़ लेंगे सिलाई करके। तो ये हमारा जुड़ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी के नाप से मैं नॉन वन मतलब कि ये शॉपिंग बैग का कपड़ा ले रही हूँ, इसके ऊपर ऐसे रखिए, इसी के नाप से कट करके हम सिलाई करके जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 इंचिस पे मार्क करना है और दूसरी साइड भी हम 4 इंचिस पे मार्क कर लेंगे। देखिए, ऐसे लाइन कर लीजिए और इसे ऐसे फोल्ड कर लें, फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर भी आप मार्क कर लें नीचे के साइड। अब हम जिप लेंगे, ये 4 इंचिस की जिप है और ये हमने नॉन वन का जो टुकड़ा है वो लिया है शॉपिंग बैग का 3.5 बाय 5 इंचिस का। अब इसे ऐसे उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर ले जिप के ऊपर। अब हम यहाँ पे प्रेस स्टिच कर देंगे। प्रेस स्टिच हो गई है, अब हम यहाँ पे ऐसे रखिए जो लेस वाला पार्ट है उसे और ये जिप वाला पार्ट को सिलाई करके जोड़ लें। अब इसे ऐसे पलट लीजिए और यहाँ पर सिलाई कर दीजिए और पूरे में सिलाई करके जोड़ ले। तो यहाँ पे हमारा जिप वाला पॉकेट बन जाएगा और ऊपर की ओर आपको राउंड शेप देना है। देखिए यहाँ पे, तो ये हमने राउंड शेप दे दिया है। अब हमें क्या करना है कि इस तरीके की मैंने क्रॉस में कट की हुई पाइपिंग ली है जिसे ऐसे फोल्ड करना है और जहाँ पे जिप अटैच है वहां से स्टार्ट करना है, नीचे की ओर लगाते हुए ऐसे सिल लेना है। अब हम ऊपर की ओर ऐसे फोल्ड कर लेंगे और पूरे राउंड में सिलाई कर देंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके का पार्ट लेना है, कोई भी पुराना कपड़ा चलेगा। 15 बाय 15 इंचिस है लेकिन ये 2 पार्ट में डिवाइड नहीं है, मतलब एक 30 इंचिस है। देखिए, ये हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया है। अब यहाँ पर जैसे नहीं निकल रहे और यहाँ पर निकल रहे हैं तो यहाँ पर हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने फोल्ड कर लिया। अब हमें क्या करना है, ऐसे 2 पार्ट लेने हैं जिसका नाप है 15 बाय 4 इंचिस। तो इसे हमें कैसे फोल्ड करना है, एक बार ऐसे फोल्ड करें, फिर यहाँ से फोल्ड करें और एक बार ऐसे कर लीजिए और फिर साइड में सिलाई करके हैंगर को रेडी कर लें। अब सेंटर में आपको जितनी भी जगह रखनी है उतनी रख के सेंटर को अटैच कर लें। यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है ना वो 30 बाय 15 इंचिस का। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये पार्ट लेना है, यहाँ पे हमें वेलक्रो अटैच करना है और ये देखिए जिप वाला जो नीचे का पार्ट है उसे हटा के उसके ऊपर वेलक्रो अटैच कीजिए। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो पार्ट हमारा है ना वो लेना है, उसे ऐसे रख लीजिए जहाँ पे हमने हैंगर अटैच किए हैं ना, वहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है। ऊपर का जो राउंड शेप है वहाँ पर हमें सिलाई नहीं करनी है। ये सिलाई हो गई और एक सिलाई आपको यहाँ पे सेंटर में करनी है ताकि 2 पॉकेट हो जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे हमने सेंटर में सिलाई कर ली है। अब हम इसे ऐसे फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पे सिलाई कर ले। तो अब अगर आपको बॉटम बनाना है तो इस तरीके से कॉर्नर पे पकड़ के जितना बड़ा बॉटम बनाना है वहाँ पे आप मार्क करके सिलाई कर लें। तो मैं 2 फिंगर पे ऐसे मार्क किया और दोनों साइड सिलाई कर ली। उसे मैंने कट नहीं किया है ताकि रेसे ना निकले और इसे सीधा कर लिया। देखिए, ये बॉटम रेडी हो गया है और इसे आप इस तरीके से फोल्ड कर ले। ये देखिए, यहाँ पे कितना सिंपल इजी तरीके से हमने ये फोल्डेबल बैग बना दिए जिसमें पेस भी बहुत सारा है। यहाँ पे देखिए, एक पॉकेट यहाँ पे है और एक पॉकेट यहाँ पे है और अंदर एक और पॉकेट है जो जिप वाला है जिसमें आप अपने पैसे वगैरह रख सकती हैं और छोटा मोटा सामान भी रख सकती हैं। तो बाजार में जाइए, छोटा सा वॉलेट लेके और चीज़ें खरीदिए और इसको बड़ा बना लीजिए और इसमें रख दीजिए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छी है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मिलते हैं ऐसे नए आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत।